गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर अपने घर पहुंच चुके हैं। वहां गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की डॉक्टरों की टीम एक अस्थायी यूनिट बनाकर उनकी देखरेख कर रही है, यानी घर ही अस्पताल बन गया है। सीएमओ की ओर से कहा गया कि हालात में सुधार है। डॉक्टरों ने एक हफ्ते आराम करने की सलाह दी। पीटीआई ने मुख्यमंत्री के पर्सनल असिस्टेंट रुपेश कामत के हवाले से खबर दी है कि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की हालत में और सुधार हुआ है। उन्होंने आज सुबह अपने परिजनों से बात की है। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की सेहत का स्टेटस उनका पीए कैसे बता सकता है? कोई मेडिकल बुलेटिन जारी क्यों नहीं हो रही? आखिर एम्स के आईसीयू से निकालकर सीएम मनोहर पर्रिकर को गोवा ले जाया गया है, तब भी सीएमओ यानी मुख्यमंत्री दफ्तर के निदेशक का हवाला देकर उनकी एम्स से छुट्टी कराई गई। मुख्यमंत्री को एम्स से छुट्टी दिलाने वाले उनके अतिरिक्त सीएमओ में कौन हो सकता है? केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक का बयान मीडिया में आया कि मनोहर पर्रिकर को एम्स में लौट आना चाहिए। उनकी हालत में सुधार हो रहा था, लेकिन उनका अचानक एम्स छोड़कर जाना उचित नहीं लगा। वास्तव में यह आश्चर्यजनक है। जो खबर पीटीआई शरीके एजेंसियों की ओर से सीएमओ यानी मुख्यमंत्री के दफ्तर के हवाले से आ रही है, उसके मुताबिक मनोहर पर्रिकर को डॉक्टरों ने एक हफ्ते आराम करने को कहा है। आश्चर्य है कि तब एम्स से उन्हें छुट्टी कैसे मिल गई। जो व्यक्ति फरवरी महीने से बीमार हो, जिन्हें एक हफ्ते आराम की ज़रूरत हो, तो उसे एम्स से छुट्टी कैसे दी जा सकती है? रविवार को मनोहर पर्रिकर एम्स के सीआईयू में कुछ घंटे रहे, फिर रविवार को ही वे गोवा के लिए रवाना कर गए। अगर ये बात मान ली जाए कि मनोहर पर्रिकर की हालत ठीक है, उन्हें बस एक हफ्ते आराम की ज़रूरत है, फिर उनके घर में डॉक्टरों की टीम ने अस्थायी रूप से अस्पताल क्यों खोल रखा है? क्यों नहीं मनोहर पर्रिकर को अस्पताल में ही रखा जाता है? ऐसी क्या मजबूरी है? सूचनाएं एक दूसरे की विरोधी दिख रही हैं। एम्स के सीआईयू में रहना, उसी दिन गोवा मेडिकल अस्पताल में इलाज के नाम पर छुट्टी कराना, फिर अस्पताल न ले जाकर घर में मनोहर पर्रिकर को रखना और सुनियोजित तरीके से उनके बेहतर सेहत का प्रचार करना, ये बातें ऐसी है जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती। इसके अलावा कोई मेडिकल बुलेटिन सामने आया नहीं, किसी डॉक्टर के हवाले से कोई बात सामने नहीं आई। कहीं किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार तो नहीं हो रहे हैं मनोहर पर्रिकर?